तो झारखंड के संथाली संगीत का जादू अब नॉर्वे तक पहुंच गया है। नॉर्वे से 30 पर्यटकों का एक दल झारखंड की उपराजधानी दुमका आया हुआ है। ये टीम पाश्चात्य संगीत के साथ संथाली संगीत को मिलाकर एक नया धुन तैयार करेगा। सभी पर्यटक इन दिनों दुमका के शहर से लेकर गांव तक की खाक छान रहे। वैसे तो ये पर्यटक यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, संगीत, प्राकृतिक खूबसूरती को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका मुख्य फोकस जो है वो है संथाली संगीत। इनकी भाषा हमारी समझ में नहीं आ सकती क्योंकि ये नॉर्वे देश की भाषा में गीत गा रहे हैं, लेकिन इनके भाव बता रहे हैं कि इन्हें यहाँ की संस्कृति खासी पसंद आ रही है क्योंकि ये संथाली संस्कृति में ढलने का प्रयास कर रहे हैं। संथाली आदिवासियों के अंदाज में ये कपड़े पहनते हैं और उन्हीं के क्षेत्र में रहकर उनकी संस्कृति, गीत और संगीत को समझने का प्रयास कर रहे हैं। दुमका जिले के शहर से लेकर गाँव तक ये खाक छान रहे हैं। वास्तव में 30 पर्यटकों का एक दल नॉर्वे से दुमका जिले में आया हुआ है जो यहाँ की भाषा, संस्कृति और लोगों के रहन सहन को समझ रहा है, लेकिन इनका सबसे बड़ा फोकस संथाली गीत और संगीत पर है। सभी सैलानी एक संगीत स्कूल से हैं और पश्चिमी भाषा के साथ संथाली भाषा को मिलाकर एक नया संगीत तैयार करना चाहते हैं। The music is very different, so it's very different actually, almost everything. But people are people. Young people are happy and nice. So I think when you talk about young people, it's much the same. Music school called Viken School. And another school is Dunvik School. It's mass media school. It's the mass media school and the music school go together on it. The people are really like open and kind. They like easy to talk to, and it's like I feel like I'm safe. इन्होंने अपने भ्रमण के दौरान कई स्थलों का दौरा किया, कई स्कूल गए और बच्चों के साथ आम लोगों से भी मुलाकात की। लोगों का हुजूम इन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ता है। नॉर्वे में ही इन्हें संथाली समुदाय की सभ्यता और संस्कृति के बारे में पता चला। परंपरागत संथाली परिधान पहनकर जब दुमका की सड़कों पर चलते हैं ये लोग, तो लोगों का ध्यान बरबस इनकी ओर चला जाता है। गणतंत्र दिवस के दौरान इन्होंने भारतीय परिधान पहना और हाथों में तिरंगा लिए दर्शक दीर्घा में बैठ गए। जिला प्रशासन की मेहमान नवाजी से काफी खुश नजर आ रहे हैं। Taking our security and feel very safe to be here, so we are very grateful. ये हमारे दोस्त हैं, ये नॉर्वे देश से आए हैं और ये बेसिकली यहाँ म्यूजिक का जो हमारे संस्कृति के हिसाब से है उसको सीखने भी आए हैं और अपना जो अपना संस्कृति है म्यूजिक का वो बांटने भी आए हैं और ये यहाँ मसानजोड़ का रिजॉर्ट में नॉर्वे के सैलानियों का जत्था दुमका की सभ्यता, संस्कृति, पर्यटक स्थल, यहाँ के लोग और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था से खुश नजर आ रहे हैं। कई अन्य देशों के पर्यटक भी यहाँ आ चुके हैं। अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में दुमका में ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आएंगे। न्यूज 11 भारत के लिए दुमका से राकेश की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।